अरे नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लेकिन आप बताइए मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में दो महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। मोदी जी के बारे में बोलते थे ना नीतीश जी, यही बात बोलते थे, वो लोग कोई काम करता है क्या। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से नीतीश सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि डेढ़ दो महीने पहले तक आदरणीय नीतीश जी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को तू तराक और तुम ताम करते थे और कहते थे कि वो लोग खाली झूठे प्रचार करता है, वो सब कुछ किया है जी ऊपर वालों ने, यानी कि केंद्र सरकार ने सब मीडिया पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने लिखा कि जब हम नीतीश जी के साथ थे तब वे बोलते थे कि नई पीढ़ी के लोग साथ आ गए हैं तो सबको नौकरियां दे रहे हैं, तेजस्वी अच्छा काम कर रहा है, 10 लाख नौकरी इसका वादा था और यही आगे सब देखेगा, यही भविष्य है, अब हम गलत हो गए, अब वो सब ठीक है। नीतीश जी मेरे सम्मानित अभिभावक हैं, लेकिन उनकी क्या परिस्थिति हो गई कि वो इस तरीके से बोलने लगे, हमें ही नहीं जदयू के भी 99% लोगों को ये सब ठीक नहीं लग रहा। वहीं इसे लेकर जदयू की तरफ से तेजस्वी पर पलटवार किया गया है। जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी के इस ट्वीट पर हमला बोलते हुए कहा कि दो महीना पहले तक आदरणीय नीतीश जी के रहमो करम पर आपको भी सरकार में 17 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था न्याय के साथ विकास पर अपने पैसे के साथ अपने परिवार का विकास, तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया। निखिल मंडल ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि जहां तक नौकरी देने की बात है ये हमारे मैनिफेस्टो में था, आपके कोटे में शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस को कूड़ा बताने के चक्कर में शिक्षा विभाग के कार्यालय भी नहीं जा रहे थे, नौकरी देना तो दूर की बात है। निखिल ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी जी को सलाह देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि वैसे कहाँ आप जदयू की चिंता कर रहे हैं, आप अपनी जेब की चिंता कीजिए, जमीन लिखवाइए और टिकट बेचिए, चुनाव तो आपके लिए कमाई का मौसम है। वहीं इन बातों के साथ में जदयू नेता ने एक और जहाँ तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, तो वहीं जिस तरीके से तेजस्वी ने सवाल उठाए उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है और साथ ही साथ बड़ा कटाक्ष करते हुए जमीन के बदले नौकरी पर भी एक बड़ा हमला बोला और इस तरीके से जमीन के बदले टिकट पर भी अपनी बात को रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।